कहिए कैसे? बोलिए दशरथ जी के बेटे हैं राम धनु। हाँ हाँ ठीक है, धनु किसने तोड़ा राजा जी ने तब बता। वो बात तो ये थी ना कि एक ही जगह पे अटके हुए। वो परशुराम जी को तो सिर्फ एक ही जवाब चाहिए, धनुष बताओ किसने तोड़ा। तुम प्रणाम करो चाहे नमस्कार करो चाहे जितनी मर्जी दंडवत करो, कोई मतलब नहीं है इस वक्त। इस वक्त ये है कि तुम बताओ धनुष किसने तोड़ा। ये ऐसी स्थिति हो गई। तो तब कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई भगवान कोई आपका दास ही होगा जिसने तोड़ा होगा, बाकी किसी की इसकी जरूरत हो नहीं सकती। वो आप ही का सेवक होगा जिसने तोड़ा होगा। ऐसे में प्रभु श्री राम ने विनम्र प्रार्थना की और लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पा रहे। अब आप इस चीज से अंदाज लगाओ कि लक्ष्मण जी जब क्रोधित अंदर ही अंदर हो रहे हैं लेकिन बाहर नहीं, वो व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम के साथ रहते हैं। ऐसे ही किसी साधु संत महात्मा के साथ जो भी उनके शिष्य या उनके भक्त या सेवक रहते हैं उन्हें चाहिए कि वो शांत रहें, वो अपनी सेवा पे ध्यान दें और कोई भी गलत कार्य ऐसा ना करें जिससे कि पूरे सनातन या फिर अपने परमात्मा के भजन में लगे हुए जो संत हैं उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। जब प्रभु श्री राम ने इशारा किया तब लक्ष्मण जी बोले, क्योंकि अति हो जाए तो फिर कहा गया ना अति सर्वत्र वर्जित, तो अति जो है फिर वो वर्जित है, उसके लिए थोड़ा सा जब कांटा लग जाए पैर में तो फिर एक सुई के द्वारा ही उसको निकालना पड़ता है मजबूती से। ये बात सही है। तो ऐसी स्थिति आए तो वो उसके लिए प्रावधान है, लेकिन अपनी इच्छा से उठ करके उछल कूद मचा के या कोई ऐसी अभद्रता हो उसके लिए वर्जित है, वो नहीं करना। साधु संत महात्मा सब सहन करते हैं, क्रोध नहीं करना होता है। लेकिन जब क्रोध कर रहे हैं तो ये भी नहीं सोचना कि ये क्रोध कर रहे हैं, नहीं, ये कांटा निकाल रहे हैं, क्योंकि एक मजबूती से एक सुई मजबूत होगी तभी वो कांटा निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा, हमेशा दर्द करता रहेगा और हो सकता है कि घाव बन जाए, मवाद बन जाए, तो उसको निकालना ही जरूरी है। इसीलिए महात्मा लोग साधु संत कोई क्रोध नहीं करते हैं, वो एक ऐसा फंसा हुआ कांटा होता है जिसे निकालना बहुत जरूरी होता है। बोलो बांके।